हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में बुधवार को प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अखंड भारत संकल्प दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने पंत पार्क पर भारत माता की आरती, पूजन व वंदे मातरम गीत का सामूहिक गान के उपरांत ध्वज पताका के साथ भारत माता की झांकी निकली, जिसमें सैकड़ों राष्ट्रभक्तों ने मोटरसाइकिल जुलूस निकाला जो शहर के मुख्य मार्ग विश्वविद्यालय छासंग चौरा, अम्बेडकर चौरा, शास्त्री चौक, गोलघर, गणेश चौराहे से होते हुए पैडलेगंज पर समाप्त हुआ। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष राजा त्रिपाठी, हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष राजा त्रिपाठी ने कहा, राजा त्रिपाठी, हिंदू जागरण मंच का मैं प्रदेश अध्यक्ष। अखंड भारत संकल्प दिवस आज अपने प्राचीन भारत की उन सीमाओं को, उन क्षेत्र को याद करने का है जो हमसे तमाम विसंगतियों के कारण गुलामी के दौर में और तमाम आपसी राजाओं के द्वेष के नाते धीरे धीरे कटता गया, बढ़ता गया और आज हम जिन छोटे सीमा में रहते हैं उतना ही भारतवर्ष रह गया है। भारतवर्ष का पूरा अखंड स्वरूप फिर से प्राप्त करने के लिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले समय तक ये करेंगे। इसके लिए हम भारत माता की खंडित मूर्ति की पूजा न करने का संकल्प लिए हैं। हम पूर्ण रूपेण पूजा तब करेंगे जब भारत माता का पूरा अखंड स्वरूप वापस होगा और उसी दिन के लिए हम याद करते हैं कि कल हम पूर्णतः पट गए थे। 1370 की तरफ बढ़े हुए हमारे कदम और कश्मीर का हमारे में विलय अखंड भारत का एक हिस्सा है।